पटरी से लेकर यहाँ तक पूरा कोहरा लगा हुआ है। फिर इस साइड के लिए पूरे इस सामने वाले गांव भी कोहरे से पूरी तरह ढक चुके हैं, तो काफी कोहरा लगा हुआ है। गाँव यहाँ पे दाई जी आई है भिंडी को निकालने के लिए, और यहाँ पे बड़े बड़े आम हो रखे हैं और काफी सारे इसमें बड़े आम है। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सौरभ विश ब्लॉग भी भूमि उत्तराखंड की पहाड़ की हसीन सी वादियों में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे हो रही है और यहाँ पर सुबह सुबह काफी बारिश हुई, सुबह से बारिश हो रही थी और काफी बारिश हुई, और इस समय आपको पहले यहाँ का सुंदर सा नजारा दिखा लेते हैं। रात में आसमान में आपको अभी भी बादल देखने को मिलने वाले हैं, और सामने पे यहाँ से लेकर पूरे इस पहाड़ की इस चोटी से लेकर यहाँ तक पूरा कोहरा लगा हुआ है। फिर इस साइड के लिए पूरे इस सामने वाले गाँव भी कोहरे से पूरी तरह ढक चुके हैं, तो काफी कोहरा लगा हुआ है। गाँव की महिलाएं सामने वाले यहीं जहाँ पे कोहरा लगा है यहीं पे गाँव की महिलाएं घास ले गई हैं, और चारों ओर आपको हरियाली देखने को मिलने वाली है और काफी सारा घास जंगलों में हरा घास हो गया है। तो आज काफी बारिश हुई और काफी ठंडा मौसम है पहाड़ों का। तो सुबह सुबह दादी जी भी लग चुकी है यहाँ पे घर के सामने पे ही काम करने पर, और यहाँ पे थोड़ा सा जो हरी घास है खेत में हो रही है उसको निकाल रही है, और सामने पे यहाँ पे काफी सारी बेलें लगी हुई हैं और इस पे काफी सारी सब्जी लगना स्टार्ट हो गई है। तोरी की सब्जी लगना स्टार्ट हो गया और काफी अभी तो बारीक वगैरह लगी हैं, बाकी अभी कुछ दिनों के बाद ये खाने लायक हो जाएंगी, और अभी तो काफी छोटी हैं, तो यहाँ पे काफी सारी सब्जियाँ चाचा लोगों ने लगा रखी है। साथ ही मैं घर पे काफ़ी सारे टमाटर के यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं, और यहाँ पे इस पे हरे टमाटर अभी भी हो रखे हैं और अब बहुत फिर से ठीक हो गया, नहीं तो ये पौधे पूरी तरह सूख गए थे। और काफ़ी सारी सब्जियाँ यहाँ पे लगा रखी है और बेलें आपको देखने को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं काफ़ी छोटियाँ ककड़ियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी छोटी ककड़ी है, और इसी पे फूल भी लगा हुआ है। तो ककड़ियाँ अब जैसे जैसे बारिश लगातार होगी वैसे वैसे इस पर ककड़ियाँ और काफ़ी हरियाली इस वाले पौधे पे आना है, इस वाली बेल पे आने स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी ककड़ियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो फिलहाल फूल हैं और इस पर देखिए अब मधुमक्खी भी बैठी हुई है, ये देखिए वाली है घास के लिए यहाँ नीचे खेत शीश में है, रस्सी को ले जाएगी और इस वाली रस्सी पर घास वगैरह लेके आएगी उस वाले खेत से। तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है घर में इस आम के पेड़ को देखने की, और साथ में मेरे पास दे रखी है कूलर, क्योंकि बंदर वगैरह आएंगे तो बंदर वगैरह को भगाने के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही। और साथ में पूरा कोहरा फिर से लग चुका है पहाड़ की इन चोटियों में, और हर तरफ आपको कोहरा ही कोहरा देखने को मिलने वाला है। और अभी तो बंदर वगैरह आए नहीं हैं, पर थोड़ी देर बाद बंदर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव साइड में काफ़ी सारे आम के पेड़ आम हो रखे हैं, तो सभी बहुत सारे आम के पेड़ों पे आम हो रखे हैं, तो इसी साइड के लिए बंदर आ रहे हैं। बगल वाले गांव वाले भी बंदर इसी गांव के लिए भेजते रहते हैं। यहाँ पे दाई जी आई है भिंडी को निकालने के लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी हो रही है, दो चार पौधे भिंडी के थे तो उससे भिंडी निकाल लिए दाजी। दाजी हो जाएगी एक सब्जी इससे, थोड़ी सी होगी दादी साथ, दो आदमी के लिए हो जाएगी ये भिंडी, यहाँ से निकाल लिया दादी जी। और अभी और देखेंगे और होगी, यहाँ पे भिंडी के हैं और इन पौधों से भी भिंडी को निकालेंगे, और इन वाले भिंडी काफी भिंडी हो, मतलब दो लोगों की सब्जी तो तैयार हो जाएगी इसलिए भिंडी से, और इनके खाने की तैयारी भी चलना हो गई है स्टार्ट। और दादी जी यहाँ से भी भिंडियाँ निकालेगी, तो यहाँ पर टमाटर की बेल भी है और काफ़ी सारे हरे टमाटर उस पर भी हो रहे हैं। दादी कह रही है दिन के खाने की तैयारी हो चुकी है, और लकड़ी वाली चूल्हे पे खाना हमने रख दिया है, चावल इसमें रख दिए हैं जिसे गढ़वाली में हम कहते हैं भात, तो इसमें भात हम इस वाले प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो दिन के खाने की तैयारी हो चुकी है और चावल हमने चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं, और मम्मी लोग भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। माँ भी आ चुकी है घास लेके जंगल से, और यहाँ पे ये जो है पुरानी घास है जिसे हमारे गढ़वाल में ओला कहते हैं, तो ये वाले घास गौशाला में थी दूसरी वाले में, तो वहाँ से लाए हैं, तो ये अभी लेके आए हैं जंगल से घास, तो इस वाली घास को पहले अंदर स्टोर करेंगे, फिर इस वाली घास को दूसरी जगह पे स्टोर करेंगे, और भैंस वगैरह को नहलाएंगे, और बकरियाँ भी आ चुकी हैं जंगल से घर के।
शाम से 6:30 होने वाला है। इस समय शाम के समय मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, जो भी हमने घर के आगे सब्जी की बेलें लगा रही थी उनको पानी वगैरह डालने के लिए, और मैंने लगा रखा है यहाँ पर पाइप। तो पहले बेल वगैरह को पानी वगैरह दे देते हैं, क्योंकि बेल वगैरह सूख जाती है अगर उन्हें पानी वगैरह टाइम पर ना दिया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बेलें हैं। ये वाली जो बेल है जिसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, ये है लौकी की बेल। तो इस बेल को भी पहले पानी दे देंगे, और अलग अलग सब्जी की बेलें यहाँ पे काफ़ी लगा रखी हैं। तो ये पहले इस वाली बेल को पानी डालेंगे। कमाल है। साथ ही मैं यहाँ पे काफ़ी सारे केले आपको देखने को मिलने वाले हैं, और केले रेडी होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद इन केलों को हम निकाल देंगे और पकाने के लिए रख देंगे। तो ये दो केले जो केले के पेड़ हैं ये रेडी हो चुके हैं पकाने के लिए। उन पे जो केले हो रखे हैं तो पकाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कुछ दिनों के बाद इन्हें निकाल देंगे हम। केले की बेल, और मुझे सबसे ज़्यादा सब्जी में पसंद करेले हैं। इस वाली केल को तो स्पेशली ज़रूर पानी देना होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है करेले, और यहाँ पर करेले की बेल है तो इसमें भी पानी डाल देता हूँ। तो शाम के समय फिर से मौसम चेंज होने लग गया है। हो सकता है रात के समय फिर से बारिश देखने को मिल सकती है, और इस समय काफ़ी सुहाना मौसम है और काफ़ी सुंदर सा मौसम इस समय हो रखा है। और यहाँ पर एक बकरी है जिसके पाँव में सुबह चोट लगी थी, तो इसको यहाँ पे खाने के लिए दे रखा है थाली में। और ये इसके पाँव में यहाँ पे चोट लगी थी, इसके पाँव में पत्थर की लग गई थी, तो काफ़ी गहरी चोट थी, जिसकी वजह से मैंने एक कपड़ा इस दिया था और दवाई वगैरह लगा रखी है। तो अभी अच्छे से चल नहीं पा रहा है ये, तो इसके लिए कुछ दिनों के लिए इसे घर में ही रखेंगे। जब इसके पाँव ठीक हो जाएगा फिर से इसे जंगल ले जाएंगे। फिलहाल अभी इसे हम लोग घर में ही रखेंगे। आसमान में देख सकते हैं काफ़ी सारे बादल। हो सकता है फिर से रात के समय फिर से बारिश आ सकती है, और पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा देखने को आपको मिलने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जो कि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकती है। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। मिलेंगे नई वीडियो में नई लोकेशन नए लोग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि।